VAP et décollage. अंतरिक्ष में इसरो की बड़ी कामयाबी, G-SAT-30 सैटेलाइट को किया लॉन्च। फाइव जी इंटरनेट की दुनिया में परचम लहराएगा भारत, ट्रांसमिशन और डीटीएच सेवाओं में आएगी तेजी। इसरो ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी दर्ज की है। इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट G-SAT-30 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। G-SAT-30 को शुक्रवार सुबह 2:35 पर फ्रेंच गुआना के कोरू स्थित स्पेस सेंटर यूरोपियन रॉकेट एरियन 5 VT-252 से लॉन्च किया गया। लॉन्च के बाद करीब 38:25 बाद सैटेलाइट कक्षा में स्थापित हो गया। 3,357 किलोग्राम वजनी ये सैटेलाइट देश की संचार टेक्नोलॉजी में बदलाव लाएगा। इसरो के मुताबिक 3,357 किलो वजनी सैटेलाइट 15 साल तक काम करेगा। ये इनसेट 4A सैटेलाइट की जगह काम करेगा। दरअसल इनसेट सैटेलाइट 4A की उम्र अब पूरी हो चुकी है और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस वजह से ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इसरो ने G-SAT-30 लॉन्च किया है। इस उपग्रह के लॉन्च होने के बाद देश की संचार व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। इसकी मदद से देश में नई इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई जाने की उम्मीद है। साथ ही पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क फैल जाएगा जहां अभी तक मोबाइल सेवा नहीं है। माना जा रहा है कि इसकी मदद से 5G इंटरनेट सेवा की देश में शुरुआत की जा सकती है। शुक्रवार की रात 2:39 पर इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक पी कुन्हीकृष्णन ने इस मौके पर कहा, 2020 की शुरुआत एक शानदार लॉन्च के साथ हुई है। इसरो ने 2020 का मिशन कैलेंडर G-SAT-30 के सफल प्रक्षेपण के साथ किया है। खास बात यह है कि इसे जिस एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका पहली बार 2019 में इस्तेमाल किया गया। तब भी रॉकेट का इस्तेमाल भारतीय सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हुआ था। बता दें G-SAT-30 G-SAT सीरीज का बेहद ताकतवर संचार उपग्रह है जिसकी मदद से देश के संचार प्रणाली में और इजाफा होगा। अभी G-SAT सीरीज के 14 सैटेलाइट काम कर रहे हैं। इनकी बदौलत ही देश में संचार व्यवस्था कायम है। इस सैटेलाइट की मदद से देश में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में नई क्रांति आएगी। इसके लॉन्च होने के बाद देश की संचार व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। इससे इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। साथ ही देश में जहां नेटवर्क नहीं है वहां मोबाइल नेटवर्क का विस्तार होगा। इसके अलावा डीटीएच सेवाओं में भी सुधार होगा। ये एक दूर संचार उपग्रह है जो इनसेट सैटेलाइट की जगह काम करेगा। इसमें 2 सोलर पैनल और बैटरी लगी है जिससे इसे ऊर्जा मिलेगी। समाज के लिए काम आने वाली जियो स्पेशल सुविधाओं, मौसम संबंधी जानकारी और भविष्यवाणी, आपदाओं की पूर्व सूचना और खोजबीन और रेस्क्यू ऑपरेशन में इजाफा होगा। Allumage, VAP et décollage.